थोड़ा सा उठ नहीं कर पाएगा। इसके बेटर है कि आप न्यूली यूज करें जहाँ पे ना तो फंगस है, ना तो बैक्टीरिया है, ना वायरस है, ना किसी तरीके की डस्ट है, और आपका टिश्यू सन और एकदम सिंपल है जी। दूसरा क्राइटेरिया इजी टू हैंडल, राइट। इजी टू हैंडल का मतलब ये है कि आप पेड़ पे चढ़ के नहीं तोड़ने का प्रयास नहीं करना, कोई भी एक्सट्रैक्शन सैंपल आप लेके कर सकते हैं ठीक, और वो इजी टू हैंडल होना चाहिए। मैं इसको इस लाइन को अपनी तरफ से ऐड करता हूँ इसलिए कि छोटे बच्चों को मैं टीच करता हूँ, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को मिडिल से सेकेंडरी के, तो वो पेड़ में चढ़ के तोड़ने लगेंगे अगर मैंने उनको इतना ही बोल दिया। हमें ये बोलना पड़ता है कि आपको पेड़ पर नहीं चढ़ना, जमीन एक फुट खोद के नई रूट्स नहीं तोड़नी ठीक है। जो भी अवेलेबल सैंपल्स हैं उसमें सबसे सॉफ्ट टारगेट को आपको टारगेट ठीक है। तीसरा इजी टू ग्राइंड, कोई भी सॉलिड मास होगा चाहे आपका ब्लड हो कहीं जमीन पे पड़ गया, ड्रॉप वो सॉलिड हो गई तो उसकी आपको ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी ठीक है ना। खड़ा आलू कभी नहीं पकाते ना सब्जी में, तो वैसे ही अगर हमें डीएनए निकालना है हमें हर सेल को तोड़ना पड़ेगा, इंडिविजुअल सेल्स को, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस उसको ब्रेकआउट करेंगे, फिर वहाँ पे एक ऐसा क्रोमोसोम मिलेगा ठीक है। उस क्रोमोसोम के ऊपर प्रोटीन्स होंगे, स्टोन प्रोटीन्स होंगे जो उसको लाइफ टाइम प्रोटेक्शन करने के बाद भी और देते रहेंगे, उनको हटाना फिर डीएनए हमें प्राप्त होगा, राइट। इन दैट केस आप सबको इंडिविजुअल सेल को ब्रेकआउट करना, तो सॉलिड मास में तो ब्रेकआउट नहीं होगा, या ब्रेकआउट हो भी गया तो अंदर से डीएनए बाहर सोल्यूशन में नहीं आएगा, इसलिए किसी भी सॉलिड मास से जब आप डीएनए निकालेंगे